अगर हम देखें तो अगर हम सिंगल एलिमेंट्स को ले रहे हैं, तो जैसे ऑक्सीजन हमने लिया है, तो इसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। जब फॉर्मूला लिखेंगे तो हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेंगे, जैसे ऑक्सीजन का ओ, नाइट्रोजन का एन, हाइड्रोजन का एच। नेक्स्ट आता है, अगर आपने टू एलिमेंट्स अगर आपके सेम वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कैल्शियम एंड क्लोरीन, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है, सेकेंड स्मॉल, जैसे सी एंड ए। क्लोरीन का एच हमने लिखा, सी एंड एल लिखा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम लैटिन वर्ड का यूज करते हैं, जैसे सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, इसको हमने एनए में लिखा। नेक्स्ट मरकरी हाइड्रेयर गैरम है, इसका एच हम लेते हैं और इसका जी लेते हैं। इसी तरह आर्गन है, आर्गन को हम क्या करते हैं, जैसे ये आर्गम है, आर्गम का हम ए जी सिंबल लेते हैं, इसका मतलब सिल्वर होता है, नॉर्मल नेम सिल्वर है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में हम इसके आर्गन बोलते हैं, तो उसको हम ए जी लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला जो होता है रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इन विच यूज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल। यानी कि हम जो एटम्स यूज कर रहे हैं एलिमेंट के फॉर्मेशन या कंपाउंड के फॉर्मेशन में, उसको हम एक फॉर्मूले के स्ट्रक्चर में लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। जैसे आप देखिए ऑक्सीजन का हम लिखते हैं O2 गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये टाइप्स भी होते हैं, जैसे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। इन मोनो एटॉमिक हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम यूज, 1। सी ए, अगर हम हीलियम लेते हैं, हीलियम के एटॉमिक सिटी कितनी है, 1, यानी मोनो एटॉमिक। हाइड्रोजन 2, डाई एटॉमिक। ओजोन 3, ट्राई एटॉमिक। एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का यूज हम मैच बॉक्स में करते हैं, मैच बॉक्स की आउटर लेयर होती है जहाँ पे आप उसको बर्न करते हैं, सॉरी उसको हल्का सा फोर्स लगाते हैं तो वो बर्न होती है, तो ये फॉस्फोरस वहाँ पे यूज होता है। और ये इसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक, क्योंकि नंबर ऑफ एटम फोर्स या मोर देन फोर होते हैं, तो वहाँ पे हम लिखते हैं पॉलीएटॉमिक। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैलेंसी। वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी कि अगर हमने टू मॉलिक्यूल्स लिए, किसी भी एटम्स के टू मॉलिक्यूल्स लिए, तो वो आपस में कॉम्बिनेशन कैसे कर रहे हैं, कंबाइंड करके जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं उसमें उनकी कैपेसिटी कितनी है, उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। अगर हमें वैलेंसी की नॉलेज नहीं होगी तो कभी भी हम केमिकल जो रिएक्शंस हो रही हैं वो हम सही से नहीं कर सकते। इसके लिए देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2, वैसे तो हमें पता है सिंगल वन है, सी है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है, 1, एंड ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो वाटर बन रहा है, लेकिन वाटर के फॉर्मेशन में वैलेंसी का क्या रोल है, ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर हम हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल्स लेते हैं, वाई, क्योंकि हम ऑक्सीजन का वन मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन का टू मॉलिक्यूल्स मर्ज करके वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, इससे इनकी वैलेंसी बैलेंस होती है। अब वैलेंसी बैलेंस कैसे हो रही है, हाइड्रोजन के वन आउटरमोस्ट सेल हैं, पहले सेल्स हमारे फोर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, के एल एम एन, इनका फॉर्मूला होता है 2n². अब n की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पूरे के शेल की वैल्यू 2, अगर यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगी, l शेल की वैल्यू 8, अगर 3 है, 3 3 = 9, 9 2 = 18, m की वैल्यू 18, अगर यहाँ 4 है, 4 4 = 16 एंड 2 32, इस तरीके से आगे ही बढ़ती रहती है। बट हम 4 को लेकर चलते हैं क्योंकि 4 ही मेन्स होते हैं जो कि फॉर्मेशन में, फॉर्म केमिकल रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल्स हमने लिए के शेल से, और ऑक्सीजन के 2 और 6 हैं, यानी कि ऑक्सीजन का 2 यहाँ पर है, के शेल में 2 है, और जो एल शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसको 8 चाहिए तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इसलिए यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे लेगा, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे करके अपनी वैलेंसी को बैलेंस करेगा, और इस तरीके से वाटर की फॉर्मेशन होती है। इसलिए जो दे रहा है उसके ऊपर हम प्लस का चार्ज, और लेता है उसके ऊपर हम माइनस का चार्ज शो करते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर दिखाया कि वाटर की फॉर्मेशन में वैलेंसी ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट नाइट्रोजन भी इसी तरीके से लेते हैं, नाइट्रोजन की 3 और 5 होती है। 3 क्यों है यहाँ पे इसकी वैलेंसी, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले करके अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहा है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स को अगर के और एल में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो यहां पर 2 आएगा और यहां पर 5 आएगा, 5 इसकी कंप्लीट नहीं है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो यहां पे 8 हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए यहां पर हम NH3 यानी अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट आता है ऑक्टेट रूल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो।